हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज फिश। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि फिश के बारे में वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन एज अ सिलेबस बीएससी सेकेंड ईयर और एमएससी में सेकेंड ईयर का ये स्पेशल टॉपिक है, और एमएससी सेकेंड ईयर में भी स्पेशलाइजेशन जो है फिशरीज का है, पूरा स्पेशलाइजेशन का चैप्टर है, तो उसके हिसाब से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिश, हाउ कैन वी डिफाइन अ फिश? अ फिश इज अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट दैट लिव्स इन वाटर, मूव्स विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड ब्रीद विद हेल्प ऑफ गिल्स। आप सब जानते हैं, चूंकि फिश इट लिव्स इन वाटर एंड द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन वाटर इज गिल्स। बिसाइड्स दिस, द लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन फिश आर द फिन्स। फिन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम एक्वेटिक मैमल्स, बट देयर फिन्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फिश ऑफ फिश। सो a fish can be defined as an organism that lives in water, moves with the help of fins and breathes with the help of gills. Before we proceed to the general characters of fish, very important question, what is the name of science of study of fish? Fish ki study ko kya kehte hain? सो फिश, द स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी, इक्थियोस मीन्स फिश एंड लोगोस मीन्स साइंस। द साइंस ऑफ फिश मीन्स द स्टडी ऑफ फिश। दिस इक्थियोलॉजी एक्चुअली एज अ ब्रांच वॉज एस्टेब्लिश बाय पीटर आरटीडी इन 1705, पीटर आरटीडी 1705। सो नाउ वी स्टार्ट विद द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फिश। फिशेस आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक कोल्ड ब्लडेड एक्टोथर्मिक पॉइक्लोथर्मिक वर्टिब्रेट्स। व्हाट दैट मींस, एक्टोथर्मिक या पॉइक्लोथर्मिक्स, पॉइक्लोज मींस होता है वेरिएबल, एक्टोथर्मिक मींस एक्सटर्नल, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इन फिशेस में, फिशेस जितनी भी हैं ये सब कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। दैट मीन्स दे कांट रेगुलेट दियर बॉडी टेम्परेचर। ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैमल्स की बात करें, हम आप बात करें, तो हम लोग वार्म ब्लडेड हैं। हमारा ब्लड जो है वो उसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हम चाहे ठंडी जगह पे चले जाएं, चाहे गर्म जगह पे चले जाएं, हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है ये 37 डिग्री मेंटेन रहेगा। ये एक स्पेशल होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म हैं जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती हैं। फिशेज में या अदर कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं उनमें ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं होती, जिससे अगर ये ठंडी जगह पे जाती हैं, एनवायरमेंट ठंडा होता है, तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है। और अगर वार्म वाटर्स में जाती हैं या वार्म क्लाइमेट में जाती हैं तो इनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो एक वाइड रेंज होता है टेम्परेचर चेंज का, उसको बियर कर सकती हैं, लेकिन बहुत सारी मछलियां ऐसी होती हैं जो एक नैरो रेंज तक ही रहती हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन को बियर नहीं कर सकती। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, इनहेबिटिंग ऑल काइंड्स ऑफ वाटर, दैट इज फ्रेश वाटर, मैरीन, एस्चुराइन वाटर, कोल्ड वाटर। फिश, जहाँ कहीं पर भी वाटर है वहाँ पर भी फिश अवेलेबल हैं, यानी कि एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक हैं, पानी में ही रहती हैं, और लगभग हर तरह के पानी में अलग अलग स्पीसीज फिश की पाई जाती हैं। फिशेज फर्स्ट इवॉल्व इन सिल्यूरियन पीरियड।
सिल्यूरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा एंड फ्लोरिस्ट इन डिवोनियन पीरियड विच कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर बीएससी सेकेंड ईयर में ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। विच इज द गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस, सो सिल्यूरियन पीरियड इज ऑफ पैलियोजोइक एरा इज द गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस। बॉडी ऑफ फिश डिविजिबल इनटू हेड ट्रंक टेल, अगर किसी फिश की बॉडी को आप देखेंगे तो वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है जिसमें हेड होता है, ट्रंक होता है, टेल होती है, नेक नहीं होती। किसी भी फिश में आप नेक नहीं पाएंगे, नेक एब्सेंट होती है। बॉडी ऑफ ऑल फिशेज इज स्ट्रीमलाइंड स्पिंडल शेप्ड हेल्पफुल इन स्विमिंग। स्पिंडल शेप मछली जैसे ही आपके दिमाग में फिश आती है तो एक शेप निकल के आता है दिमाग में, दिस इज स्पिंडल शेप। इसी में एंटीरियर पार्ट इसका जहां पर आई प्रेजेंट होती है ये हेड हो जाता है और पोस्टीरियर एंड पे टेल हो जाती है, ठीक है। स्किन कवर्ड विद डर्मल स्केल्स, बोनी प्लेट्स और आल्सो कॉल्ड डेंटिकल्स और नेकेड। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिनमें स्केल्स पाई जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नेकेड भी होती हैं जिनकी बॉडी पर स्केल नहीं होती हैं, खासकर जो साइप्रनी फॉर्मिस है इसमें सिल्यूरी जो ग्रुप है उसमें स्केल्स नहीं होती, स्केललेस फिशेज होती हैं। अदरवाइज ज़्यादातर जो फिशेज हैं उसमें स्केल्स पाई जाती हैं। कुछ जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं उनमें डर्मल प्लेट्स भी पाई जाती थी जिनको स्क्यूट्स या डेंटिकल्स बोलते थे। जो फिश की स्केल्स होती हैं अलग अलग टाइप की हैं, ज़्यादातर जो लिविंग फिशेज की बात करें तो जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं उनमें स्पेशलाइज प्लेकॉइड स्केल्स पाई जाती हैं, जबकि जो बोनी फिशेज हैं इनमें साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट, एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस और बोनी। एंडोस्केलेटन जो फिश का सपोर्टिंग एंडोस्केलेटन, आप जानते हैं स्केलेटन दो तरह का होता है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। इंटरनल जो सपोर्ट करता है बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए और मसल्स के सपोर्ट के लिए जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्केलेटन। और स्केलेटन जो है इसमें मेन जो क्लासिफिकेशन का बेस है फिशेस का। अगर आप पूरी दुनिया की फिशेस को डिवाइड करना चाहें तो उनको आप दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक वो जिनमें स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना होता है और दूसरा जिनमें स्केलेटन बोन्स का बना होता है। जो कार्टिलेज का बना स्केलेटन होता है जिन फिशेज में उनको कार्टिलेजिनस फिशेज कहते हैं, और जिनमें स्केलेटन बोनी होता है दोज आर कॉल्ड बोनी फिशेज, ठीक है। इट द स्केलेटन ऑफ ऑल फिशेज कैन बी डिवाइडेड इनटू हेड स्केलेटन, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स। रिब्स जो है इनमें स्पाइंस के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, पेक्टोरल एंड पेरल गर्डल सपोर्टिंग पेयर्ड फिन्स। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर होता है जो स्केलेटन का, सभी वर्टिब्रेट्स में लगभग ये स्केलेटन पाया जाता है। द अपेंडिजेज ऑफ फिश कंप्राइज ऑफ फिन्स। फिन्स जैसा हमने पहले भी बताया मेन लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं फिश में, और जो फिन्स हैं ये सिंगल और पेयर्ड भी हो सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो बनाया है हमने दैट इज टेल फिन, इसके अलावा यहां पर ये पेक्टोरल फिन, ये पेल्विक फिन और ये डॉर्सल फिन। लगभग सभी फिशेज में ये फिन्स प्रेजेंट रहते हैं। जो आपका पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स हैं, दिस इज पेक्टोरल फिन एंड दिस इज पेल्विक फिन। जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स हैं ये पेयर्ड होते हैं।
अभी हमने एक एक बनाया है, लेकिन इसके अपोजिट साइड में, चूंकि ये लेटरल साइड से बनाया है, एक और प्रेजेंट होता है। तो ये पेयर्ड होते हैं, दीज आर पेयर्ड, जबकि जो डॉर्सल फिन और टेल फिन है या कॉर्डल फिन भी कहलाता है, ये सिंगल होते हैं। सो पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आर पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स डॉर्सल कॉर्डल, समटाइम्स अनदर फिन दैट इज कॉल्ड एनल फिन मे आल्सो बी प्रेजेंट, दिस इज एनल फिन। तो फिन्स जो हैं फिश में पेयर्ड भी होते हैं और सिंगल भी होते हैं। माउथ इज जनरली सिचुएटेड एंटीरियरली ऑन हेड एंड एनस इज इन सेकेंड हाफ ऑफ ओवरऑल लेंथ ऑफ बॉडी जस्ट इन फ्रंट ऑफ एनल फिन। ये जो एनल फिन होता है इसी के जस्ट आगे ये माउथ हो जाता है। अब माउथ जो है ये टर्मिनल भी हो सकता है, सब टर्मिनल भी हो सकता है, ठीक है। तो माउथ जो एलिमेंट्री कैनाल है कंप्लीट होती है जनरली लगभग सभी वर्टिब्रेट्स में, जो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें एक माउथ होता है। माउथ लीड करता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी लीड करती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद एनस आ जाता है, एनस के बाद रेक्टम। फिशेस में दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, एनस भी हो सकता है और क्लोएका भी हो सकता है। कुछ फिशेज ऐसी हैं जिसमें जो एक सिंगल ओपनिंग होती है फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, तो ऐसी फिशेज में क्लोएका प्रेजेंट रहती है। जबकि कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनकी ओपनिंग सेपरेट होती है और जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी ओपनिंग अलग होती है, यानी उनमें एनस प्रेजेंट होता है, और कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जिनमें क्लोएका प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ मसल्स अरेंज इनटू सेगमेंट्स कॉल्ड मायोटोम्स। ये जो मायोटोम्स है, अगर आप किसी फिश की स्किन हटा दें तो अंदर आपको इसकी मसल्स दिखाई पड़ेंगी जो स्पेशल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होती हैं, और इन मसल्स को अगर आप स्किन हटा के देखेंगे तो डॉर्सल साइड के जो मायोटोम्स हैं वो अलग दिखाई पड़ेंगे और वेंट्रल साइड के अलग दिखाई पड़ेंगे। गिल्स 5 to 7 पेयर्स नेकेड और कवर्ड विद ऑपरकुलम। गिल्स की बात करें तो इनमें जो नंबर है गिल्स की ये 5 to 7 होती है। अगर आप देखें ये जैसे डायग्राम में, इसमें हमने ये जो स्ट्रक्चर बना दिया है दैट इज कॉल्ड ऑपरकुलम। अगर इस ऑपरकुलम को हटा देंगे तो यहां पर आपको कुछ ओपनिंग्स दिखाई पड़ेंगी। ये गिल्स हैं। जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं या इलास्मोब्रैंक्स हैं, इनमें आपको बाहर से ही गिल्स की कितने पेयर गिल्स हैं ये बाहर से ही पता चल जाते हैं, और ये एक क्लियर कट इंडिकेशन होता है। आप दूर से ही पहचान सकते हैं कि ये कार्टिलेजिनस फिश है या बोनी फिश है, आप देखते ही पहचान लेंगे। अगर आपको गिल ओपनिंग्स बाहर से ही दिखाई पड़ रहे हैं तो अगर उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है तो वो कार्टिलेजिनस फिश होंगी, और अगर गिल ओपनिंग्स आपको बाहर से नहीं दिखाई पड़ रही हैं, सिर्फ एक सिंगल कवरिंग दिखाई पड़ रही है, सिंगल ओपनिंग है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड ऑपरकुलम। अगर ऑपरकुलम प्रेजेंट है तो वो बोनी फिश होगी, ठीक है। नाउ कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जिनमें एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जैसे आपकी बहुत सारी फिशेज जिनको एमएससी में डिसेक्ट भी करते हैं एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, इनमें कुछ फिशेज ऐसी भी होती हैं जिनमें लंग्स भी पाए जाते हैं। ये डिप्नोवन ग्रुप है, डिप्नोई, उसमें पाई जाती हैं, तो ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट बट नॉट ओपन इनटू फेरिंग्स। एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर फिशेज में, लेकिन इंटरनल लेयर्स नहीं होते हैं।
केवल डिप्नोवन एक ऐसा ग्रुप है जिसमें या कुछ लोब्ड फिन्स कहलाती हैं उनमें भी इंटरनल नेयर्स पाए जाते हैं, अदरवाइज फिशेज में इंटरनल नेयर्स नहीं होते हैं। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वीनस एंड सिंगल सर्कुलेशन। फिश का जो हार्ट है ये वीनस हार्ट कहलाता है। वीनस हार्ट क्यों कहलाता है, क्योंकि इनमें जो ब्लड है जब हार्ट में आता है तो वो पूरी बॉडी से घूम कर आता है, यानी कि वीनस ब्लड आता है हार्ट में। अगर सर्कुलेशन देखें आप फिश का, अब जो ब्लड है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ये हार्ट में आता है और इस साइनस विनोसस के माध्यम से, दिस इज साइनस विनोसस में इकट्ठा होता है, फिर यहां से ये ऑरिकल में आता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल से इसको फोर्स किया जाता है टुवर्ड्स दी वेंट्रल ओर्टा, जहां से ये गिल्स में जाता है। यहाँ ये बीच में गिल आर्चेज होती हैं जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, फिर ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाता है जहां से इसमें की ऑक्सीजन यूज कर ली जाती है और ब्लड वापस हार्ट में आता है फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स में चूंकि ऑक्सीजन यूज हो चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड हो चुकी है, तो ये जो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो ऑक्सीजन की कम हो, ऐसा ब्लड वीनस ब्लड कहलाता है। तो ये ब्लड चूंकि हार्ट में आता है तो फिश का जो हार्ट है ये वीनस हार्ट कहलाता है। अब आप देखिए कि इसमें ब्लड एक बार हार्ट में आता है, यहां से गिल्स में जाता है, गिल से बॉडी पार्ट्स को टू बॉडी पार्ट्स और फिर वापस हार्ट में। तो हार्ट में ब्लड एक बार आता है और फिर गिल्स में जाता है बॉडी पार्ट्स में, इस तरह से ये सिंगल सर्कुलेशन कहलाता है। तो फिश में जो सर्कुलेशन है ये सिंगल सर्कुलेशन होता है और फिश का हार्ट वीनस हार्ट कहलाता है। नाउ बोथ हिपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम्स प्रेजेंट, आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड। जो मैमल्स को छोड़ के लगभग सभी जो वर्टिब्रेट्स हैं, अदर इवन फ्रॉग हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनमें आरबीसीज जो है न्यूक्लिएटेड होती हैं, तो फिशेज की आरबीसीज भी न्यूक्लिएटेड होती हैं। हिपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम अगर आप हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का वीडियो है उसमें हमने पोर्टल सिस्टम को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। पोर्टल सिस्टम फिशेस में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम, यानी कि लीवर से रिलेटेड जो सर्कुलेशन है वो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में आएगा और किडनी से रिलेटेड रीनल पोर्टल सिस्टम, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। किडनीज आर मेसोनेफ्रिक एंड एक्सक्रीशन इज यूरियोटेलिक। ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं जब हमने कॉर्डेट्स का वीडियो बनाया है, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है व्हाट आर डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं उनको आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन। ये कैटेगरीज हैं यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और एमोनोटेलिक। एमोनोटेलिक वो होते हैं जिनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो एमोनिया होता है। यूरियोटेलिक वे होते हैं जिनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिया होता है, और यूरिकोटेलिक जो हैं वो जहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। तो फिशेज जो हैं चूंकि इनके पास एम्बिएंट वाटर अवेलेबल होता है
ज़्यादातर जो फिशेज हैं ये यूरियोटेलिक हैं। ब्रेन वेल डेवलप्ड, हैविंग यूजुअल 5 पार्ट्स, क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स। क्रेनियल नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिसेक्शन में जो बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इवन एमएससी में भी जो डिसेक्शन होता है फिश का, उसमें आपको क्रेनियल नर्व्स टेक आउट डिसेक्ट आउट करनी होती हैं, डिस्प्ले करनी होती हैं, और कई बार वाइबा में भी नाम पूछ लिया जाता है। तो इस पर हम अलग से किसी दिन एक वीडियो बना देंगे। एक फॉर्मूला है वन ऑफिसर ऑफ द टर्किश आर्मी फायर्ड अ जायंट वेसल्स, जायंट वेसल, उसके आधार पर आप दसों जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनके नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट, इंटरनल एयर विद 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। फिश चूंकि एक्वेटिक हैं, एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट होते हैं, इनमें जो इंटरनल ईयर है दैट इज आल्सो कॉल्ड मेम्बरेनस लेबिरिंथ। इंटरनल ईयर, इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जो साउंड्स को परसीव करती हैं, या कह सकते हैं आप वाइब्रेशंस को परसीव करती हैं, और इसमें मदद करता है इसका लेटरल लाइन सिस्टम। ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है ये एकॉस्टिको लेटरली सिस्टम भी कहलाता है। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनमें ये एक स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सिस्टम होता है, सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, जो पानी में वाइब्रेशंस या आप कह सकते हैं साउंड को महसूस करने के लिए होता है, परसीव करने के लिए होता है। जो लेटरल लाइन सिस्टम है इसकी स्टार्टिंग आप साइक्लोस्टोम से देखेंगे और एम्फीबियंस तक, चूंकि ये सभी एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ से गुजरते हैं, साइक्लोस्टोम्स एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक हैं, एम्फीबियंस की भी जो अर्ली लाइफ है वो एक्वेटिक है, तो साइक्लोस्टोम्स, फिशेज और एम्फीबियंस, इन सब में आपको लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, नाउ सक्सेस सेपरेट गोनेट्स पेयर्ड एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ज़्यादातर फिशेज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, फीमेल वाटर में एग्स रिलीज करती है और जो मेल है वो भी वाटर में स्पर्म्स रिलीज करता है, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो पानी में होता है बाहर। लेकिन कुछ फिशेज ऐसी हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और इसी वजह से कुछ फिशेज ऐसी हैं जो ओवीपेरस हैं यानी अंडे देती हैं, फर्टिलाइजेशन बाहर होता है। कुछ ऐसी हैं जो ओवीपेरस हैं यानी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और जब वो अंडे देती हैं तो उसमें एम्ब्रियो ऑलरेडी डेवलप हो रहा होता है, और कुछ ऐसी हैं जो वीवीपेरस भी हैं, खासकर कुछ शार्क्स हैं जो वीवीपेरस हैं। एक्स लार्ज विद लार्ज अमाउंट ऑफ योक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एब्सेंट। अब चूंकि इनके जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसमें फीडिंग बहुत अर्ली स्टार्ट नहीं होती है, तो वो न्यूट्रिशन के लिए योक प्रेजेंट होता है और योक का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट, फिशेस के डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती, बहुत कम चेंजेज होते हैं लार्वा या एम्ब्रियो इसके जो अर्ली आप कह सकते हैं जिनको हैचलिंग्स बोलते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं एडल्ट्स के, हैचलिंग से फिर फिंगरलिंग्स, फिंगरलिंग से फिर फिश में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन उनका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, सिर्फ साइज का फर्क हो जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट होता है विदाउट एनी लार्वल स्टेज। सो दिस इज द अब ऑल अबाउट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फिश। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हमने जैसे आपको बताया फिश का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन दी स्केलेटन सिस्टम, इसका जो इंटरनल स्केलेटन है उसके आधार पर फिश को क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिश के क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।